वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा हैक्स। तो गाइस टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट ओपन पोर्स, और गाइस लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि मैं आज 4 to 5 शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, जिससे आपको मेरी होम रेमेडीज भी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही खत्म हो जाने वाला है। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो गाइज बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फर्स्ट पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम खाली कंटेनर ले लेंगे, उसमें व्हीट फ्लोर देंगे, और अदरवाइज इसमें हम राइस फ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 स्पून दिए, आपको जितना क्वांटिटी में बनाना है उतना बनाइए। एंड अब इसमें हम लोग को ऐड करना प्लेन वाटर। अब जितना क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जितना वो मिक्स हो जाए, वेल मिक्स हो जाए, आपको उतना ही पानी इसमें मिक्स करना है, देन अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो आपको इस पैक के साथ हाफ ऑफ टोमेटो का भी यूज़ होगा, उसका यूज़ मैं बाद में बताऊंगी। अब आप इस स्क्रब को जहाँ पे आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर मैंने विट फ्लोर का यूज़ किया है एज अ स्क्रब, क्योंकि इसके अंदर हायर अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल, जिंक होता है, जो कि आपके स्किन में जितना भी ऑयलीनेस है, ग्रीशीनेस है, उसे फाइट करता है, एंड ऑल्सो आपके फेस से टॉक्सिन को क्लियर आउट करता है, एंड एट द सेम टाइम ये आपके स्किन को ब्राइट भी कर देता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्क्रब कि आप इसे डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल स्क्रब है, सारे स्किन टाइप के लिए अच्छा ये सूट करता है। अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, सो डैट ये ड्राई हो सके। देन जब आपका स्क्रब ड्राई आउट हो जाए, हाफ टमाटो लेकर पूरे फेस पे स्क्रब करना है फॉर लाइक 1 to 2 मिनट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे टमाटो का यूज़ क्यों की हूँ। मैं यहाँ पे टमाटो का यूज़ इसलिए क्यों की हूँ कि इसमें हायर अमाउंट में एस्ट्रिजेंट होता है, जो कि आपके ओपन पोर्स को पूरी तरह से रिड्यूस कर सकता है, और आप इसे डेली बेसिस पर यूज कीजिए, आपको रिज़ल्ट कुछ ही दिन में इसका नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्क्रब एज अ स्किन ब्राइटनर भी वर्क करता है, तो अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, या फिर डलनेस है, तो सारी प्रॉब्लम को ये रिड्यूस कर देता है, एंड आपकी स्किन को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोइंग बना देता है। एंड इसके बाद अपना फेस को वॉश कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। इन जस्ट 1 यूज़ यू विल 100% श्योर कि आपका फेस ग्लोइंग हो गया है, एंड आपका ओपन पोर्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया है, एंड सी द रिजल्ट ऑन माई फेस। सेकेंड फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन, देन उसमें हम लोग मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, एंड उसके बाद हम लोग उसमें नेचुरल एलोवेरा जेल एंड टमाटो जूस, इनका ज़रूरत हमको इस सेकेंड पैक बनाने में पड़ेगा। अब अच्छे से मिक्स इट वेल, अच्छे से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा फेस पैक रेडी हो जाता है फॉर दी ओपन पोर्स। फेस पैक को पूरे फेस पे अप्लाई करना है। मैंने इस फेस पैक में मुल्तानी मिट्टी ऐड की हूँ, जो कि आपके फेस पे जितने भी एक्ने का प्रॉब्लम होता है उसे वो छुटकारा दिलाता है, एंड जितना भी एक्सेस ऑयल जम जाता है आपके फेस पे उसको भी ये रिमूव करता है। यहाँ पे मैं बेसन को ऐड की हूँ, क्योंकि बेसन आपके फेस को क्लियर आउट करता है, एंड जितना भी हमारे फेस पे स्वेट, डस्ट, जो भी जम जाता है, ये उसको पूरी तरह से रिमूव करता है, एंड फेस पैक हमारे फेस को ये ब्राइटन अप भी करता है। तो मैं यहाँ पे टमाटो का भी यूज़ किया, तो टमाटो में एस्ट्रिजेंट होता है, जो कि आपके ओपन फेस के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है। एंड लास्टली मैंने इसमें एलोवेरा जेल यूज़ करी हूँ, नेचुरल एलोवेरा जेल, जो कि आपके स्किन को सुपर फेयरनेस बना देता है। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट से के बाद अच्छे से ड्राई होने दे, देन जब यह ड्राई आउट हो जाए तो आपको ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है। आपको इसको वीक में 3 दिन यूज़ करना है, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसको वीक में 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि आपके ओपन पोर्स में काफ़ी हद तक डिफरेंस आपको दिखेगा, एंड आपका फेस ब्राइटन अप भी दिखेगा, जितना भी आपके फेस में डलनेस है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट कि आपका स्किन हेल्दी ग्लोइंग हो जाए,
तो और जितने भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाए, तो मेरे ये टिप्स और रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें। और यार ये तो हो गई होम रेमेडीज टिप्स, तो अब आइए जानते हैं वो 4 से 5 पॉइंट जो कि जिसको फॉलो करने से हमारा ओपन पोर्स या फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं अपने लाइफ में, वो हमेशा के लिए छुटकारा, जिससे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो आइए जानते हैं। तो गाइज इट्स अ फर्स्ट पॉइंट कि आप लोगों को ऑयली फूड अवॉइड करना है। और आप लोगों को खाना क्या है वो मैं बताती हूँ। आप लोगों को वेजिटेबल खाना है, फ्रूट्स खाना है और दाल खाइए। अगर आप दाल खाना आपको पसंद नहीं तो आप दाल पीजिए। और गाइज आप लोग जिस दिन पनीर खाते उस दिन दूध अवॉइड कीजिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आप लोग जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपके फेस पर ऑयल सीक्रेट होगा और उतना ज़्यादा ही आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होगी। तो गाइज सेकेंड पॉइंट है स्किन केयर रूटीन। तो आप लोग अगर कोई प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है तो आप उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो करते हैं डे बाय डे लाइफ में तो आपका 90% स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाता है। जो 10% प्रॉब्लम है वो मैं खत्म कर दूंगी। तो गाइज आप लोग को एक चीज़ पे और ध्यान देना है, अगर आप लोग फेस वॉश करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि फेस वॉश करने के बाद आप टोनर अप्लाई करें, देन मॉइस्चराइज अप्लाई करें, देन आपको जो भी करना है करें, मेकअप अप्लाई करें, जो भी करते हैं आप वो। लेकिन गाइस मेक श्योर कीजिए कि आप लोग फेस वॉश के बाद टोनर एंड मॉइस्चराइजर बिल्कुल जरूर अप्लाई करें। तो मेरा थर्ड पॉइंट है मेकअप। आज के टाइम में मेकअप करना सबको पसंद है, चाहे वो टीनेजर्स हो, एडल्ट हो, या फिर जिनका बहुत एज हो गया होगा, मेकअप करना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ में मेकअप यूज़ करते हैं तो वो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होने वाला, आपका आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके फेस से कभी नहीं जाने वाला है। तो आप मेक श्योर कीजिए आप मेकअप करने से 2 से 3 मिनट पहले आप आइस क्यूब अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, और उसको 2 से 3 मिनट के उसको आइस क्यूब अपने फेस पे रब करें। और गाइस एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट जो होता है कि आप अगर मेकअप अप्लाई करते हो तो नाइट में उसको रिमूव किए बिना मत सोइए। अगर आप उसको विदाउट रिमूव किए हुए सो जाते हैं तो आपसे फेस से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। तो मेक श्योर कीजिए कि आप नाइट में सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से रिमूव कर लीजिए, फेशियल रिमूवर जो भी होता है फेस से रिलेटेड रिमूव करके सोइए, चाहे फेस वॉश करके, टोनर, मॉइस्चराइज जो भी करके करते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप अपना फेस से मेकअप हटा के सोएंगे। तो मेरा फोर्थ पॉइंट है हाइजीन। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार अपने हैंड के थ्रू फेस को टच करते हैं, जो कि हमारे फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। बार बार हम टच करते हैं और हमें फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके कारण भी होता है। और हम लोग एक गलती क्या करते हैं कि पूरे दिन में अभी गर्मी का टाइम है तो हम लोग क्या करते हैं बार बार जाके अपने फेस को धोते हैं, 5 से 6 बार या जितना बार होता है धोते हैं। तो गाइस हम लोग को ऐसा गलती नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ 4 से 5 बार ही अपने फेस को धोना है। जितना बार अपने फेस को धोते हैं उतना बार ऑयल सीक्रेट होता है, उतना ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। तो अगर गर्मी में ज़्यादा अगर हम लोग को स्वेट आए तो हमको क्या करना है, कोई भी हैंकी से अपने हैंड को अपने फेस को साफ करना है, पसीना पोंछना है, बट उसको हैंड से नहीं करना है, जिससे हमें फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। तो गाइज मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक ले स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।